नमस्ते भाई और बहनों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो के साथ। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया है, आज हम CIT यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में फुल्ली रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो ताकि आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फीस के बारे में, हर एक चीज़, प्लेसमेंट कैसा है, कैसा प्लेसमेंट मिलने वाला है, एडुकेशनल क्राइटेरिया, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है, हर एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से समझ में आ जाए। बेसिकली वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, कारण इस वीडियो में कम्प्लीटली एडमिशन प्रोसेस, क्या क्या कोर्सेज है, हर एक पॉइंट कवर किए जाएंगे। सो आप लोग अगर CIT में एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, हर एक पॉइंट इस वीडियो में कवर करूँगा। सो बिना कुछ देर ना करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप पहले आता है कि जो ये CIT है ये कहाँ पे? सो ये CIT आप लोगों को कोकराझार में है, असम की कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है। CIT का फुल फॉर्म सभी को पता ही होगा, पर मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ जिसको पता नहीं है। CIT का जो फुल फॉर्म है वो इसका नाम है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो NIT से कम में आता है, यानी कि पहले आता है IIT, दूसरे में आता है NIT, तीसरे में आता है CIT, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बात बोलो तो इसकी कैंपस की, कैंपस इसका टोटली 200 एकड़ का कैंपस है, जो का बेहद बड़ा कैंपस है। और इसका जो यूसेज है, 102 एकड़ ज़मीन इसका यूज़ हुआ है, बाकी जो 98 एकड़ का ज़मीन है वो बाद में यूज़ किए जाएंगे अदर्स जो प्रोजेक्ट है उनके लिए। बात बोले तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, 2006 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, और ये कॉलेज डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों कोर्स को प्रोवाइड करता है। साथ में बोले तो ये कॉलेज जो डिप्लोमा से स्टार्ट हुआ था, आज ये डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड करता है। इस कॉलेज के बारे में हर एक पॉइंट लाइक कैंपस, हॉस्टल, लोकेशन, कोर्स, प्लेसमेंट, रेटिंग सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो को जस्ट देखते रहो और एंजॉय करो यार, सिंपली बोले तो 2009 में ये CIT कॉलेज में, CIT इंस्टीट्यूशन में, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में आप लोगों को यहाँ पे 2009 में डिग्री कोर्स स्टार्ट हुआ था। 2006 में ये कॉलेज डिप्लोमा से शुरू हुआ था और 2009 में ये कोर्स, डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड करने लगा। इसकी लोकेशन की बात बोलो तो ये लोकेशन है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है ये कॉलेज। साथ में बोले तो इसका रेलवे स्टेशन से अगर आप लोग आते हो तो कोकराझार रेलवे स्टेशन से इसकी 7 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से इस कॉलेज की दूरी तय करते हो तो आप लोगों को 220 यानी कि 220 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेंगे। बात करें इसकी एडमिशन प्रोसेस की, ये एडमिशन BTech में होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। मैं हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, सो वीडियो लंबा होगा बट फुल्ली डिटेल दूंगा। BTech कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। दूसरे में आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री, जो JLEE बोला जाता है हमारे CEE की भाषा में, बट CIT की भाषा में इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन बोला जाता है। यह है दूसरा एग्जामिनेशन, जे इन दोनों वे से आप लोग एडमिशन ले सकते हो, बट है 4-5 वे में, सब कुछ बता रहा हूँ 1 by 1। सो वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ लंबा होगा, बट देखो यार, देख सकते हो कि जो तीसरा है ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वोकेशन एडमिशन टेस्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वोकेशन एडमिशन टेस्ट में आप देकर इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जो चार नंबर पे वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बैचलर एंड डिग्री एडमिशन टेस्ट। पाँचवें नंबर पर आता है डिप्लोमा CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोग देना पड़ेगा। इस 5 तरीके से आप लोग CIT में एडमिशन ले सकते हो। सो ये आप लोगों को शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं 1 by 1 वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, बट फुल्ली डिटेल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। बात करते हैं ये जो कोर्सेज है, कोर्सेज आप लोगों को BTech में मिलता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। साथ में मिलता है CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। पाँचवें आता है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 6 नंबर पर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। 5वें नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर एक ब्रांच पे आप लोगों को 60 60 60 60 सीट्स मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। हालांकि ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट एवरेज मान के चलो तो 60 सीट हर ब्रांच पर आप लोगों को मिल जाएगी। बात करते हैं डिप्लोमा की। सो डिप्लोमा में यहाँ पे आप लोग फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, साथ में कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो,
एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर सकते हो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन की कर सकते हो, ETC का कर सकते हो। सो ये हो गई कुछ डिप्लोमा की बात, बाकी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग फुल्ली डिटेल देख सकते हो। बाकी जो इसका हॉस्टल है, 3 हॉस्टल फॉर बॉयज़, 3 हॉस्टल फॉर गर्ल के लिए आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। बात बोले इसकी जो फैसिलिटीज़ है उसमें आप लोगों को लाइब्रेरी मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलता है, फ्री वाईफाई का फैसिलिटी मिलता है जो काफ़ी अच्छा है, साथ में बस फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बस फैसिलिटीज़, फ्री वाईफाई एंड कैंटीन एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पे फीस, जो फीस है इसकी, एडमिशन फीस आप लोगों को फॉर डिप्लोमा, आप लोग अगर डिप्लोमा करना चाहते हो फुल्ली 3 साल का डिप्लोमा के लिए आप पर आप लोगों को 45,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग बीटेक करते हो 4 साल का तो यहाँ पे आप लोगों को पर ईयर 25,000 पे करना पड़ेगा। इसका एवरेज मिलाकर यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा CIT में अगर आप लोग 4 ईयर का बीटेक डिग्री करते हो। बात यह है प्लेसमेंट यहाँ पे आप लोगों को अमेजोन, विप्रो और नेस्ले जैसी कंपनीज में यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुकी है। इसका जो पैकेज है वो 4 to 5 लाख की पैकेज है जो काफ़ी अच्छा है, मान के चलो तो नया कॉलेज हिसाब से ठीक है। बात आती है यहाँ पे कॉलेज की रेटिंग की, तो यहाँ पे कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी हिसाब से इसकी रेटिंग 4.4 है। साथ में प्लेसमेंट की बात बोले तो प्लेसमेंट थोड़ा कम है इसलिए इसकी रेटिंग 2.6 की दी गई है। साथ में इसकी कैंपस लाइफ की बात बोले तो वो भी 4.4 कैंपस लाइफ है, 4.4 रेटिंग है। साथ में बोले तो जो अदर प्लेसमेंट लाइक एंड हॉस्टल वगैरह की रेटिंग दी गई है वो 4.1 रेटिंग है। सो वीडियो में बताने वाली चीज़ इतना ही थी, हर एक चीज़ मैंने कवर की, प्लेसमेंट कैसा है, साथ में हॉस्टल कितनी, एडमिशन फीस कितनी होगी, 4 साल का डिग्री करने में कितना खर्चा जाएगा, हर एक चीज़ कवर की है। कुछ और डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।